सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी है अपराध। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मामले पर बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण पर सख्त कदम उठाए हैं। इस फैसले का सीधा असर समाज पर पड़ेगा और बच्चों की सुरक्षा की ओर और भी मजबूत कदम उठाने वाला ये फैसला है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस फैसले के क्या मायने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, उसे डाउनलोड करना या अपने पास रखना भी अब अपराध माना जाएगा, भले ही आप उसे किसी और के साथ साझा ना करें, यानी कि शेयर ना करें। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को इस आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। यह मामला तब उठा जब मद्रास हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने का आरोप खत्म कर दिया था क्योंकि उसने इसे किसी और को नहीं भेजा था, लेकिन दो चाइल्ड वेलफेयर संगठनों के साथ बचपन बचाओ आंदोलन ने इस फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला थे, उन्होंने यह कहा कि सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या स्टोर करना भी अपराध है, भले ही इसे आगे ना बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का देखना, डाउनलोड करना और स्टोर करना भी अपराध माना जाएगा, चाहे उसे प्रसारित करने की मंशा हो या ना हो। 2012 के बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम पॉक्सो POCSO जिसे कहा जाता है, उसके तहत यह गंभीर अपराध है। इसके अलावा कोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि पॉक्सो एक्ट में बाल पोर्नोग्राफी शब्द की जगह बाल यौन शोषण और दुरुपयोग सामग्री यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल CSEAM शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं। पहला सुझाव है सेक्स एजुकेशन यानी कि यौन शिक्षा। स्कूलों में यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए जिससे बच्चों को बाल पोर्नोग्राफी के कानूनी और नैतिक परिणामों की जानकारी दी जाए। बिहेवियरल थेरेपी यानी कि व्यावहारिक चिकित्सा, जो लोग पहले से चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग और इलाज जरूरी है ताकि उसकी सोच को बदला जा सके। पब्लिक अवेयरनेस यानी कि जन जागरूकता, जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दुष्परिणामों को समझ सके और इसे रोकने में मदद कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और न्यायपालिका को आदेश दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाल पोर्नोग्राफी का भंडारण करता है यानी कि स्टोरेज करता है, इसे हटा या रिपोर्ट नहीं कर रहा है, यह प्रसारण की मंशा का संकेत माना जाएगा। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला। बच्चों की सुरक्षा के लिए यह एक बड़ा कदम है और इसे समझने के साथ साथ समाज में इसका पालन भी करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।